Hello guys, welcome to Doer Classes. I am here again with vocabulary of 19th March. Let's see what is today for you. What is here today for you? Number one है milieu. Milieu का मतलब होता है the social environment that you live or work in. मतलब ऐसी जगह या ऐसा माहौल जहाँ पर आप कार्य करते हैं तो उसे हालात कहते हैं या सामाजिक स्थिति. ऑब्वियसली मिली जो होता है नेगेटिव सेंस में आता है ज्यादातर या पॉजिटिव में भी आता है, तो फिर उस हिसाब से हालात आप कह सकते हो या सामाजिक स्थिति क्या चल रही है वो चीज. एग्जांपल से देखिए आपको बेटर समझ में आएगा. तो एग्जांपल में पहले मैं मिली को हाईलाइट करूंगा कि आखिर इसका मतलब कैसे यूज हुआ है यहाँ पे. कंपेयरिंग द करेंट पॉलिटिकल मिली टू द इपिक महाभारत. मतलब वर्तमान देखो कंपेयरिंग द करेंट पॉलिटिकल मिली मतलब वर्तमान राजनीतिक स्थिति या वर्तमान राजनीतिक हालात की तुलना करते हुए किससे. टू इपिक महाभारत मतलब महाकाव्य महाभारत से तुलना करते हुए कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी जो कांग्रेस प्रेसिडेंट कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी हैं ऑन संडे उन्होंने रविवार को सेड कहा ये कहा द बीजेपी इज लाइक कौरवास जो बीजेपी है वो कौरवों की तरह है हु फाट फॉर पावर जो कि सत्ता के लिए लड़ती है. व्हाइल हिज पार्टी जबकि उनकी पार्टी ही आया है राहुल गांधी के लिए जबकि राहुल गांधी जी की पार्टी लाइक पांडवाज की तरह है स्टैंड फॉर ट्रूथ जो कि हमेशा सपोर्ट करती है ट्रूथ को. तो यहाँ तो आपने मिली का मतलब समझ लिया पॉलिटिकल मिली मतलब राजनीतिक हालात राजनीतिक यथास्थिति जो इस समय बनी हुई है. अब यहाँ पर और बहुत सारी चीजें हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा जो कि आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है. जैसे कंपेयरिंग द पॉलिटिकल मिली टू अब देखिए कंपेयर समथिंग टू समथिंग तो जब आप कंपेयर करते हैं किसी चीज को किसी चीज से तो टू प्रीपोजिशन आता है. तो आप ये एक चीज यहाँ पर सीखेंगे कंपेयर समथिंग टू समथिंग. तो यहाँ पर क्या है कंपेयर किया गया है करंट पॉलिटिकल मिली को और इपिक महाभारत से कंप्लीट किया गया है. तो एक चीज ये हो गया. नेक्स्ट ऑन संडे पहले भी मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि संडे मंडे ट्यूसडे कोई भी डे हो उसके पहले प्रीपोजिशन ऑन ही आता है. तो यहाँ पे ऑन संडे ये आपको रिपीट हो गया रिवाइज हो गया एक तरह से. आप जब भी आपका संडे आता है आप चेक करिए कि क्या यही प्रीपोजिशन आता है या नहीं. तो इससे आपको क्या है रटना ही नहीं पड़ेगा आप कम से कम 50 बार देखे होंगे इस चीज को तो आपको याद ही हो जाएगी. फिर और देखिए यहाँ पर कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी लिखा है. हमने पहले आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जब किसी पदनाम के बाद उस पद पर आसीन व्यक्ति का भी नाम जुड़ा होता है तो आर्टिकल द नहीं लगता है. तो यहाँ पर क्या है कांग्रेस प्रेसिडेंट के बाद राहुल गांधी भी है तो आर्टिकल द नहीं लगा है. और उसके बाद अब यहाँ देखिए द बीजेपी है मतलब पार्टी के पहले यहाँ पर द लगा है मींस कहने का. लेकिन यहाँ पर अगर एक ही चीज और बता दें आपको कि अगर यहाँ पर यही लिखा होता बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह मतलब बीजेपी पार्टी के जो प्रेसिडेंट है अमित शाह तो अब जो वहां पर मतलब कि पार्टी के जो पद है पद के बाद उस व्यक्ति का नाम भी आ गया जो आसीन है तो फिर आर्टिकल द नहीं लगेगा. लेकिन यहाँ पर देखिए पद का नाम के बाद मतलब व्यक्ति का नाम नहीं आया तो इसलिए आर्टिकल द यूज कर दिया गया. तो यही चीज आपको सिखानी थी कि इस तरह आप देखेंगे ना न्यूज़पेपर रीडिंग में ये जो मैंने ये सेंटेंस लिया है ये द हिंदू का फर्स्ट पैराग्राफ है. आप मिला सकते हैं आज ही का पेपर है और द हिंदू का फर्स्ट पैराग्राफ मैंने लिया है जो फर्स्ट न्यूज आई है. अब ये इसका मतलब देख लीजिए बीजेपी इज लाइक कौरवाज हु फॉट फॉर पावर जो कि फॉर पावर का मतलब सत्ता के लिए शक्ति के लिए नहीं फॉर पावर मतलब सत्ता के लिए लड़ती है. अब यही चीज होता है कि आप अगर व्यवहारिक रूप से पढ़ेंगे तो उसका मतलब समझ में आएगा और अगर सिर्फ वर्ड के पीछे भागेंगे कि इस वर्ड का मतलब तो ये होता है तो फिर आपको मतलब नहीं समझ में आएगा बस ट्रांसलेट करना हो गया वो. तो इंग्लिश में कभी भी वर्ड्स के पीछे नहीं भागा जाता है सेंस के पीछे भागा जाता है. सेंस क्या कह रहा है उस हिसाब से आपको वर्ड को पढ़ना है और अलग अलग सेंटेंस में एक ही वर्ड के अलग अलग सेंस होंगे. व्हाइल हिज पार्टी जबकि उनकी पार्टी हिज जो आया है कांग्रेस के लिए आया कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी के लिए आया है जबकि राहुल गांधी जी की पार्टी किस प्रकार की है लाइक पांडवाज पांडवों की तरह है स्टैंड फॉर ट्रूथ. स्टैंड फॉर मतलब सत्य के लिए खड़ी नहीं रहती है. स्टैंड फॉर एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है सपोर्ट फॉर सपोर्ट समथिंग तो सत्य का समर्थन करती है. तो स्टैंड फॉर और ये SSC में पूछा भी गया है CGL में भी पूछा गया टेन प्लस टू में MTS तक में भी पूछा गया. सोचिए जब तीन तीन एग्जाम्स में और NDA CDS में तो बहुत बार आते हैं ये सब चीजें तो जनरली है वहां पर NDA CDS में तो बहुत छोटी छोटी चीजें पूछ लेता है. बस ये होता है कि लड़के सही से पढ़ नहीं पाते तो और सही से चीजें को ध्यान नहीं देते तो प्रॉब्लम हो जाती है उनको लगता है कि टफ है बल्कि इजी तो सबसे ज्यादा होता है ऐसे क्वेश्चन पे.
नेक्स्ट देखिए कॉल्यूजन, कॉल्यूजन मतलब होता है साठगांठ। साठगांठ का मतलब समझ आया कि चुपके से किसी से मिलीभगत कर लेना उस सेंस में। तो इसका इंग्लिश आप मीनिंग देख ले, सीक्रेट एग्रीमेंट स्पेशली टू ट्रिक पीपल। कोई आप सीक्रेट समझौता करते हैं किसी के साथ, और किस कारण से, कुछ अपना फायदे के लिए या किसी को धोखा देने के, उसे हम साठगांठ कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, द पुलिस वेयर करप्ट, जो पुलिस थी वो भ्रष्ट थी, एंड वेयर ऑपरेटिंग इन कॉल्यूजन विथ द ड्रग डीलर। देखिए आप ये एक चीज और क्या कर रही थी, कार्य कर रही थी इन कॉलिजन विथ साठगांठ में, किसके साथ साठगांठ में, ड्रग डीलर, जो ड्रग माफिया थे, जो ड्रग का आदान प्रदान लेन देन इधर उधर बिजनेस करते हैं, उनके साथ साठगांठ में पुलिस क्या कर रही थी, अपना कार्य कर रही थी, और भ्रष्ट तो थी ही। तो यहाँ पर अब ये तो हमको ने कॉलिजन का आपको मीनिंग बताया, और इसका सेंटेंस यूज कैसे हो गया। अब इसमें और चीज क्या सीख सकते हैं आप, देखिए कैसे, ये एक तो यहाँ पर ये आया है इन कॉल्यूजन विथ, जब भी कॉल्यूजन के पहले इन आ रहा है, प्रीपोजिशन लास्ट में विथ आएगा, ये पूरा फ्रेज है, आपको इसे ध्यान रख लेना है। और जब भी ये आपको बहुत जगह यूज करेगा, जैसे कि क्लोज टेस्ट हो गया आपका, क्लोज टेस्ट के अलावा फिर आपका PQRS में भी यूज हो सकता है। जैसे इन कॉल्यूजन से सेंटेंस खत्म है, अगला सेंटेंस विथ से शुरू है, और एक ही सेंटेंस है जो विथ से शुरू है, आप सीधा जोड़ देंगे बिना किसी सोच के, तो ये आपको बेनिफिट हो जाएगा। एक चीज और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये देखिए कि पुलिस वेयर करेप्ट और एंड के बाद वेयर आता है। आपने जाना होगा कि एंड के बाद सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच जुड़ते हैं, तो जब यहाँ पर एडजेक्टिव, तो यहाँ पर भी करप्ट या ऑपरेट लिख सकते हैं, तो लेकिन अब देखिए यहाँ पर करप्ट क्या है, ये एडजेक्टिव है, और ऑपरेट क्या है, ये आपका वर्ब है। तो यहाँ पर जब वाज वर इज एम आर के बाद जब एडजेक्टिव आता है, तो वाज और वर लिंकिंग वर्ब का काम करते हैं, तो यहाँ पर वर लिंकिंग वर्ब है, जबकि ये वर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, तो जो हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद वर्ब का ing फॉर्म ही आएगा, और यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है तो एडजेक्टिव आया है, इसलिए यहाँ पर वर्ब लगाने की आवश्यकता पड़ी। अगर हम यहाँ पर एडजेक्टिव की जगह हम सपोज करिए वर्ब डाल दिए होते, जैसे कि हमने पुलिस वेयर विजिटिंग, विजिट वर्ब हम डाल देते, तो विजिटिंग के बाद यहाँ पर वर्ब नहीं लगाते। अगर ये वर्ब दोबारा यहाँ लिखते हम, तो ये रिपीटेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच हो जाता है, जो कि ये ग्रामर में मिस्टेक मानी जाती है, और ये स्पॉटिंग एरर का पार्ट बन जाता। लेकिन यहाँ पर चूंकि यहाँ लिंकिंग वर्ब की तरह वर्ब काम कर रहा है, और यहाँ पर वर्ब काम कर रहा है आपका हेल्पिंग वर्ब की तरह, दोनों ही वर्ब में डिफरेंस होता है, इसलिए आपको दोनों अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो एक चीज ये आपने सीखी, तो मेरा मतलब यही है कि आप छोटी सी जगह पर अगर सीखना चाहें तो बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। और अगर आप पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए सोचें कि पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे और फिर उसका डिड्यूस क्या फैक्ट है वो निकाल के आप बहुत महारथी बन जाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज कि आप जान ही रहे हैं कि पॉसिबल है नहीं पूरा पेपर पढ़ना। तो बेटर यही है कि आप थोड़ा सा पढ़िए, लेकिन जो पढ़िए उसमें जितना ज्यादा खोज सकते हैं वो चीज खोजिए, यही मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए मेसअप, मेसअप मतलब होता है बिगाड़ देना, दुरुस्त कर देना, मतलब नष्ट कर देना, इस तरह टू स्पॉइल समथिंग और डू इट बैडली, किसी चीज को बिगाड़ कर देना या उसे बहुत बुरे तरीके से करना। जैसे कि अब ये जो सेंटेंस है, द बीजेपी लेड गवर्नमेंट मेस्ड अप द इंडियन इकोनॉमी, आप ये मत सोचिए कि मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ, मीन्स ये सेंटेंस, ये जो सेंटेंस लिया है ये मनमोहन सिंह का बयान आया है आज द हिंदू में, तो वही मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया है। तो ये क्या है, बीजेपी लेड गवर्नमेंट मतलब बीजेपी द्वारा संचालित जो सरकार है, मेस्ड अप द इंडियन इकोनॉमी, उसने भारतीय अर्थव्यवस्था को खराब कर दिया है, बर्बाद करके चौपट करके रख दिया है। तो ये बयान आया था किनका, मनमोहन सिंह जी का बयान आया है आज। आइए नेक्स्ट देखते हैं, शेलिंग, शेलिंग मतलब होता है गोलाबारी। आप जानते हैं बॉर्डर पे LOC पे कितनी गोलाबारी हो रही है पाकिस्तान और इंडिया की तरफ से एक दूसरे की तरफ। तो अब इसमें देखिए आप क्या है कि शेलिंग का जो इंग्लिश एक्सप्लेनेशन है, द फायरिंग ऑफ शेल्स मतलब गोलों की बारी, शेल्स कारतूस हो सकते हैं, गोले हो सकते हैं बड़े बड़े, उनकी फायरिंग फ्रॉम लार्ज गन्स बड़े बड़े गनों से, उसे गोलाबारी कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, फाइव मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, अब ये सारे जो मैंने सेंटेंस लिए सब न्यूज़पेपर के, तो आप समझिए कि जब यहाँ पर मैं जिस हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि ऐसे पढ़ना है, आप ऐसे ही पढ़े तो न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ईजी हो जाएगा आप इसलिए। और द हिंदू तो सबसे ईजी पेपर है, अगर आपको और अच्छी प्रिपरेशन करनी है आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हैं, और आपका ये जो आपका हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, इंडियन एक्सप्रेस, इन सब में ये और अच्छे हैं। लेकिन अगर आप GS के हिसाब से देखें तो द हिंदू इज द बेस्ट, अगर इंग्लिश के हिसाब से देखें तो ST इज द हार्डेस्ट, हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया या टफेस्ट हैं, इनमें जो आपका एडिटोरियल होता है बहुत जबरदस्त होता है। और इसके तो बस ये रहता है सेंटेंस बड़े रहते हैं, लेकिन द हिंदू इजी न्यूज़पेपर है, तो मैं आपके सामने वही लेकर के आ रहा हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी उसमें तो द हिंदू में तो बहुत सारी चीजें रहती हैं, आप अगर चाहें कि ये सारी चीज खोज लें तो आप नहीं खोज सकते इतना जल्दी, जब तक आपको साल दो साल का एक्सपीरियंस ना हो पढ़ने का कम से कम। जैसे फाइव मेंबर्स ऑफ ए फैमिली, एक परिवार के सदस्य वेयर किल्ड मारे गए, एंड टू अदर्स और दो अन्य इंजर्ड क्या घायल कर दिए गए, इन मोर्टार शेलिंग मोर्टार की गोलाबारी में, बाय पाकिस्तानी ट्रूप्स, ट्रूप्स मतलब होता है सेना या टुकड़ी कह सकते हैं, पाकिस्तानी सेनाओं के द्वारा।
अलॉन्ग द एलओसी, एलओसी में, एलओसी में जो गोलाबारी हुई थी उसमें 5 सदस्य जो है एक परिवार के वो क्या मार दिए गए और 2 लोग जो है जख्मी कर दिए गए या घायल कर दिए गए। नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ फायर, एक्सचेंज ऑफ फायर मतलब जवाबी कार्यवाही, अगले जवाबी कार्यवाही में 2 लोग मारे गए, 2 persons were killed in an exchange of fire। तो ऐसे सेंटेंस आपका ये यूज हो जाएगा, इजी था इसलिए मैंने सेंटेंस नहीं लिखा यहाँ पर। नेक्स्ट है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, अनप्रोवोक्ड एंड इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग मतलब अकारण और अंधाधुंध फायरिंग मतलब बिना देखे, बिना किसी कारणवश और सीधा बिना देखे सुने बस धड़ाधड़ मार देना, वो चीज़ हो गया। द पाकिस्तानी आर्मी ओपेंड अनप्रोवोक्ड एंड डिस्क्रिमिनेट फायरिंग फ्रॉम 7:45 AM to 11:30 AM। तो अब ये क्या है, पाकिस्तानी आर्मी ने बिना कारणवश मतलब कोई जब यहाँ से कोई वो नहीं गया था, कोई उन्हें उकसाया नहीं गया था, प्रोवोक माने होता है उकसाना, लेकिन अनप्रोवोक्ड बिना उकसाए मतलब बिना किसी कारणवश एंड इनडिस्क्रिमिनेट बिना किसी भेदभाव के, यानी अंधाधुंध जिसे कहते हैं आप हिंदी में, अब इसे अकारण अंधाधुंध पढ़ेंगे समझ में आएगा। अब आप इस तरह पढ़ते हो अगर अनप्रोवोक्ड मतलब बिना उकसाए हुए, इनडिस्क्रिमिनेट मतलब बिना भेदभाव किए हुए, तो ये मतलब ही नहीं देगा आपको, क्या बकवास लिख रखा है। तो हर वर्ड का सही प्रॉपर वे में आप मीनिंग पढ़ेंगे तो वो इंग्लिश इंटरेस्टेड होगी, अदरवाइज आप पढ़ के निकल जाएंगे, आप तो कहेंगे कि मुझे अनप्रोवोक पता है, इनडिस्क्रिमिनेट पता है, लेकिन जो उसका सही मीनिंग जहाँ पर सुटेबल है जो पढ़ना है इसे, वो आप पढ़ ही नहीं रहे हो तो कैसे आपको आएगा। और यही चीज़ होता है, आप क्लोज टेस्ट पैसेज करते हो, आप पढ़ते वो हो जो वर्ड में का वर्ड का मतलब है, लेकिन वो किस हिसाब से यूज़ हो रहा है वो तो आपने किया नहीं, तो वहाँ पर मीनिंग निकलता नहीं है। आपको पता लगा कि 5 क्वेश्चन आते हैं पैसेज के और आपके 3 गलत होते हैं, 4 गलत होते हैं, 1 सही होता है, 2 सही होता है, वो भी तुक्का से सही होता है, कोई आपका बेस नहीं होता कि किस हिसाब से आपने सही कर दिया। रीजन यही है कि आप उसको संदर्भ में नहीं पढ़ते हो, जिस रेफरेंस में वर्ड दिया है उसको नहीं पढ़ पाते। तो यहाँ देखिए, जैसे पाकिस्तानी आर्मी ओपेंड अनप्रोवोक्ड एंड इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग, पाकिस्तानी आर्मी ने अकारण अंधाधुंध फायरिंग कर दी फ्रॉम 7:45 to 11:30 AM। अब यहाँ एक चीज और मैं सिखाना चाहूंगा, फ्रॉम दिस टू दिस मतलब फ्रॉम जब आता है तो प्रीपोजिशन टू का यूज होता है। एक ऐसे ही बहुत, ये तो पूछेगा क्वेश्चन है, ये मतलब अपने से मैंने नहीं ले ली कि हाईलाइट कर दिया और आपको बताने लगा, ये सारे पूछे गए हैं, जब आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे आपको खुद समझ में आया कि यहाँ पर कितना मतलब का मैंने बताया और कितना बिना मतलब का। इडियम्स फ्रेजेज में वही देता हूँ आपको जो न्यूज़पेपर में आ रहे हैं, बाकी जो मैंने ये वर्ड्स दिए हैं वो या तो एसएससी में पूछे गए हैं या फिर इनडायरेक्टली वो पैसेज या क्लोज टेस्ट में उनका काम पड़ा है, सिर्फ केवल वही है। तो आप ये मत समझे कि नए नए छांट के आ गए यहाँ पर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज ये सारे इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम की जगह टू, अगर यहाँ बिटवीन होता तो एंड आता, तो आपको ध्यान रखना है कि फ्रॉम ए टू बी या बिटवीन ए एंड बी, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है गट समथिंग, गट समथिंग होता है डिस्ट्रॉय समथिंग, किसी चीज़ को बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना। और ये स्पेशली अब देखिए, ये इतनी लंबी एक्सप्लेनेशन लिखने का मतलब ये है कि ये जो वर्ड्स हैं ये जरूरी नहीं है कि बस मतलब मीनिंग पता होने के लिए इतना बड़ा क्या करना है पढ़ के, ये जो है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ जाता है। 2016 के 10+2 में यही सब किया गया है कि सीधा एक मीनिंग है, विजिट है मान लो, उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया, अब इतना लंबा एक्सप्लेनेशन दे दिया लड़के कंफ्यूज जाते हैं। हर एक वर्ड के एक्सप्लेनेशन में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए यहाँ देखिए टू डिस्ट्रॉय एंड इनसाइड, अब ये तो डिस्ट्रॉय के इक्वल हो गया, लेकिन अब ये क्या कह रहा है, टू डिस्ट्रॉय द इनसाइड एंड कंटेंट्स ऑफ बिल्डिंग और रूम, किसी बिल्डिंग या कमरे के जो अंदर की चीजें हैं, अंदर आंतरिक भाव है उसको नष्ट कर देना, तो ये अब डिस्ट्रॉय से अलग हो गया, क्योंकि डिस्ट्रॉय तो मतलब सिर्फ बर्बाद करना, नष्ट करना होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, आंतरिक भाग को नष्ट करना है, बर्बाद करना, तो ये जो है डिस्ट्रॉय से समथिंग डिफरेंट हो गया। अगर ये इनसाइड और कंटेंट्स ऑफ बिल्डिंग लिख देगा आप, डिस्ट्रॉय और गट दोनों दे दिया, आप गट से जाओगे तो करेक्ट होगा, डिस्ट्रॉय से जाओगे तो गलत हो जाएगा। अब आप ये समझिए कि आप तो कहेंगे कि डिस्ट्रॉय भी लिखा है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना डिस्ट्रॉय लिखा है, इसकी एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि डिफरेंस क्या है। और यही चीज़ होता ही है, हो ही रहा है आजकल कि 4 ऑप्शन में 3, आप तो कहेंगे सेम डायरेक्शन की, लेकिन उनमें जो माइन्यूट डिफरेंस है वो आपको पता नहीं लगेगा। जैसे देखिए, द हाउस वॉज गटेड इन द शेलिंग, जो घर था वो गोलाबारी में नष्ट हो गया या बर्बाद हो गया, आंतरिक रूप से गोलाबारी हुई तो आंतरिक रूप से क्षति पहुंची। आइए नेक्स्ट देखते हैं, रिटेलिएशन, रिटेलिएशन मतलब होता है बदला। अब इसके कितने सारे साइनोनिम्स हैं, वेंडिटा हो गया प्रतिशोध या बदला, वेंजियांस माने भी प्रतिशोध बदला, रिवेंज माने भी प्रतिशोध या बदला, रिट्रीब्यूशन मतलब भी प्रतिशोध या बदला। ऐसा कोई वर्ड यहाँ पर नहीं है जो एसएससी ने पूछा नहीं है प्रीवियस ईयर्स में, किसी को एंटोनिम्स में, किसी को सेरेनोम्स में, किसी को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, किसी को पैसेज क्लोज टेस्ट में भरवाया तक है, एक भी वर्ड ऐसा नहीं है जो कि एसएससी ने ना पूछा हो, हर वर्ड को पूछा है। अब आप समझिए कि इन सब का एक कलेक्शन आपको मिल रहा है, आप एक मीनिंग आप में इसको याद कर लेंगे, और अगर यही अलग अलग चीज़ आए थी तो कन्फ्यूज जाएंगे।
शो काज नोटिस, शो काज नोटिस का मतलब होता है कारण बताओ नोटिस। ये आपने पूछा, देखा ही होगा अक्सर कि सुप्रीम कोर्ट ने फलाने को कारण बताओ नोटिस दिया, तो शो काज नोटिस होता है। आप उसका मतलब लगे शो मतलब दिखाना, काज मतलब कारण, कारण दिखाना, नोटिस तो गलत नहीं हो गया फिर, वो कारण बताओ नोटिस होता है, तो ये शो काज नोटिस इसका मतलब ये हो गया। नेक्स्ट देखिए टिप ऑफ, टिप ऑफ मतलब होता है जानकारी या सीक्रेट, गुप्त जानकारी। जैसे आप कि पुलिस हैव इन्वेस्टिगेटेड द केस बेस्ड ऑन टिप ऑफ, बेस्ड ऑन ए टिप ऑफ गिवन बाय द पर्सन, मतलब कि किसी व्यक्ति के द्वारा दी गई जानकारी पर पुलिस ने क्या किया, छानबीन की। अब इस एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, जैसे मैं तो आपने से बता दिया, लेकिन ये एग्जाम्पल क्या लिखा है यहाँ पे, एक्टिंग ऑन ए टिप ऑफ, कार्य करते हुए या कार्यवाही करते हुए ऑन ए टिप ऑफ, एक जानकारी दी गई गुप्त जानकारी पर, या स्पेशल टीम, एक विशेष टीम ने, और टीम कैसी, हेडेड बाय द एडिशनल एसपी सिटी, जिसकी अध्यक्षता की गई थी एडिशनल एसपी सिटी के द्वारा, उस टीम ने, वो टीम क्या कर रही थी, वाज फॉर्म्ड, मतलब कि उसका निर्माण किया गया, टू गठित की गई, टू लुक इनटू द मैटर। लुक इनटू का अब इसमें इसका और एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, आप ये जान लें, लुक इनटू द मैटर मतलब इन्वेस्टिगेट द मैटर, लुक इनटू और इन्वेस्टिगेट दोनों साइनोनिम है, ये फ्रेजल है और वो वर्ड है, तो इन्वेस्टिगेट द मैटर। अब देखिए इसको पढ़ना कैसे होता है, इस तरह के सेंटेंस को, एक्टिंग ऑन ए टिप ऑफ, ये जो भी आया है ये इधर आगे वाले सेंटेंस के नाउन की विशेषता है, एक्टिंग ऑन ए टिप ऑफ मतलब कि दी गई जानकारी पर कार्यवाही करते हुए एसपी सिटी, जो कि एसपी सिटी की अध्यक्षता में, मतलब जो जानकारी दी गई थी उस पर कार्यवाही करते हुए किया क्या गया, एक एसपी सिटी की अध्यक्षता में एक स्पेशल टीम का निर्माण किया गया, वाज फॉर्म्ड, और किस लिए किया गया, अब फॉर्म का ऑब्जेक्ट है, टू से जुड़ा है, निर्माण किया गया, टू लुक इनटू द मैटर मतलब वो जो मैटर, जो मामला था उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो ये इस तरह पढ़ना है आपको, तब जाके मीनिंग सही निकलता है। अब ये नेक्स्ट है वर्ड फर्म, फर्म मतलब होता है दृढ़, और फर्म मतलब होता है कंपनी, दोनों ही होता है। दृढ़ मजबूत कैसे होता है, यू शुड टेक फर्म डिसीजन, तुम्हें एक दृढ़ निश्चय करना चाहिए। अब जैसे कोई बार बार समय बदल अपना निश्चय बदल रहा है, तो उसको आप कहेंगे कि अरे यार सही सही निर्णय लो, एक क्लियर कट और बताओ कि क्या तुम्हारा डिसीजन है, तुम बदलते रहते हो हर बार, तो वो चीज़ है कि यू शुड टेक फर्म डिसीजन, आपको एक दृढ़ निश्चय लेना चाहिए, यानी कि हर बार बदलते रहो। तो ये समझने के लिए मैंने बताया आपको। और एक मतलब होता है फर्म मतलब कंपनी, जैसे कि इंडस्ट्रियल फर्म्स आर शिफ्टेड टू कमर्शियल एरियाज, जो औद्योगिक, जो उद्योग संबंधित कंपनियां हैं उनको क्या शिफ्ट किया गया है कमर्शियल एरियाज में, ऐसे एरिया जहां पर कि आपकी कंपनी स्थापित की जाती हैं बड़े पैमाने पर, वहां पर जैसे कोई अगर वो सोसाइटी वाली मतलब कि प्लेस है, और सोसाइटी के प्लेस में इंडस्ट्रियल फर्म कोई है, तो उसको आजकल गवर्नमेंट कह ही रही है कि कमर्शियल एरियाज में शिफ्ट कर दे रही है, इंडस्ट्रियल एरियाज में, ताकि मतलब वहाँ पर किसी कोई बीमारी या उस तरह के, बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है ना जो कि जिनसे निकलने वाला गैस या फिर कहें कि वेस्ट जो होता है वो हार्मफुल होता है ह्यूमन बींग्स के लिए, तो ये सब चीज़ है। तो आप इस तरह आपको पढ़ना है, और ये डेली पर डेली मैं आपको कलेक्शन देता रहूँगा, जिससे आपको पता लगता रहेगा कि इंग्लिश को आपको पढ़ना कैसे। आपके पास सब कुछ है, डिक्शनरी है, लेकिन आपका प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, प्रॉपर वे नहीं है पढ़ने का, तो फिर उस डायरेक्शन में आपका, आप 2 साल भी पढ़ लेंगे तो आपका वो रिजल्ट निकल के नहीं आएगा, जो आप एक सर्टेन डायरेक्शन में आप मूव करते हैं तो उसमें आपको जो रिजल्ट मिलता है। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट मिलते हैं कल। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको और कोई डाउट हो तो आप दिए गए लिंक पर हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।